मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल जी सारयां नूं। दोस्तों यूके दे स्टूडेंट्स ने जिहड़े कुछ कु स्टूडेंट बहुत परेशान ने जिन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तीन तीन महीने पहला चार चार महीने पहला उन्हां दी कई दी ऑफर लैटर नहीं आई कई दे कैश लैटर नहीं आए कई तो एजेंट्स ने फंडा दे पैसे ले ले या कई तो फीसा भी पहला ले लिया एजेंट्स ने अपने खात्या दे विच वो कुछ स्टूडेंट परेशान ने कि साढ़े ऑफर लैटर क्यों नहीं आ रहे साडा कैश लैटर क्यों नहीं आ रहा मैडिकल भी एक्सपायर होने वाला हो गया छे महीने निकल गए। दोस्तों अज्ज दी इस वीडियो दे विच आपां यूके बारे गल करांगे यूके दे जिहड़े स्टूडेंट्स ने विदाउट आयल्स अप्लाई किया यूके ने अजा की करता कि उन्होंने वीज़ा आने का दूर की गल है कि उन्होंने ऑफर या कैश ही नहीं इशू हो रहे। सो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखियो तुहाडे लई बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जे तुसी अपना यूके का वीज़ा लाना है या तुसी विदाउट आयल्स अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया होया ते तुसी हले तक वेटिंग दे विचो। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सब तो पहला तुहाडा स्वागत है मेरे इस चैनल पर इत्थे तुहानू बिल्कुल ऑथेंटिक इनफॉर्मेशन मिलती है तुहानू गाइडेंस देने की कोशिश करता है कि जे तुसी अपनी फाइल किते ना किते लाई हुई है तो तुहानू थोड़ी बहुत ही हैल्प मिल सके तुहानू भी कुछ नॉलेज हो सके तो तुसी अपने एजेंट नू जाके सवाल पूछ सको कि मेरी फाइल का की चल रहा है की प्रोसैस है। दोस्तों सब तो पहला आपां यूके की एक गल क्लीयर कर लैने कि यूके ने अपनी पॉलिसीज दे विच कुछ चेंज किया है की चेंज किया है थोड़ी जी स्टिकनैस वधाती जिथे पहला ऐड चलती सी 35% वाला चल जाओ यूके 40% वाला चल जाओ 45% वाले यूके चल जाओ विदाउट आयल्स यूके चल जाओ विदाउट इंटरव्यू वाले स्टूडेंट भी यूके चले जाण गए भी ने बहुत सारे गए भी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्थे हैगे भी ने जिहड़े कि हुण एग्जाम्पलां दिंदे ने कि मेरे तां जी 1-5 सी मेरे 5.5 ओवरऑल सी बट फिर भी मेरे एजेंट ने मेरा विदाउट आयल्स लगवाता। देखो हर एक चीज़ का टाइम हुंदा है हर एक चीज़ का प्रोसैस हुंदा है एलिजिबिलिटी हुंदी है यूके हाई कमिशन टाइम टू टाइम अपनी एलिजिबिलिटीज़ ते प्रोसैस है जिहड़े वो चेंज करती रहिंदी है यूनिवर्सिटीज़ अपने जिहड़े इंटरव्यूज़ ने या फिर अपना जिहड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह भी चेंज करती रहिंदी है। हुण पिछे जे पहला यूनिवर्सिटीज़ MOI बेस ते तुहानू ऑफर लैटर इशू करते सी बट हुण यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंटरव्यू लैने शुरू करते क्रैटेबिलिटी इंटरव्यू लैना शुरू करता असैसेबिलिटी इंटरव्यू लैने स्टार्ट करते जे तुसी ओह क्लीयर करदे हो तां किते जाके तुसी फीस भरदे हो ते उस तो बाद जाके फिर तुहाडा कैश लैटर लई इंटरव्यू हुंदा है फिर किते जाके तुहानू जे इंटरव्यू क्लीयर करदे हो फिर किते जाके कैश लैटर मिलदा है। सो दोस्तों जे तुसी निराश हो कि तुहाडा विदाउट आयल्स ऑफर लैटर नहीं आ रहा तां तुहानू इह गल समझण दी लोड़ है कि यूके ने थोड़ी स्ट्रिकनैस करती हुई है तो बहुत सारिया नहीं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़ियां प्रोफाइल्स वह लै रही ने या तो रीसेंट पास आउट है तुहाडे 70% 75% नंबर ने या फिर तुहाडे को आयल्स है 6 ओवरऑल किसी भी 1 या 2 मोड्यूल चो 5.5 बैंड ये वालिया प्रोफाइल्स ने जिहड़ियां वह अक्सैप्ट हो रही ने चाहे तुसीं जे मास्टर्स लई चले हो तो 6 ईच वाली प्रोफाइल बहुत चंगी है तुसीं अपने स्पाउस नाल जाना चाहते हो तो तुसीं यूके जा सकते हो बहुत ईजी वीज़ा है बहुत ही जल्दी तुहाडा वीज़ा जिहड़ा प्रोसैस हुंदा यूके दे विच बट जे तुसीं विदाउट आयल्स अपने स्पाउस नाल अप्लाई करदे हो तां तुहानूं किते ना किते मुश्किलां दा सामना करना पैणा किहड़ी किहड़ी मुश्किलां आ सकदियां ने तुसीं आयल्स नहीं कीती तां तुसीं इंग्लिश भी नहीं बोल सकते तुहाडी स्पीकिंग है जिहड़ी वह भी किते ना किते लैवल थोड़ा जिहा घट होगा तुहानूं मेहनत करनी पैणी है अपनी प्रोफाइल दे उत्ते क्योंकि जदों तुहाडा इंटरव्यू होना है वह इंग्लिश दे विच होना है जदों तुहाडा ऑफर लैटर लई इंटरव्यू आना है तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन देनी है कि तुसीं यूके क्यों चले हो तुसीं यूके क्यों चूज़ किया है तुसीं आही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ते इहदे विच इह वाला कोर्स क्यों चूज़ किया उहदे जिहड़े जवाब ने उह तुहानूं इंग्लिश दे विच खुद देने पैणे ने उह टैलीफोनिक भी हो सकते ने उह तुहाडे जिहड़े हैगे ने स्काइप ते इंटरव्यू भी हो सकता है। सो इन्ने क तुसीं प्रिपेयर होने चाहीदे हो उस तो बाद जे तुहाडा ऑफर लैटर इदां ही आ जांदा तुहाडी परसेंटेज चंगी है तां जे तुहाडा कैश लैटर लई इंटरव्यू आंदा है तां उत्थे भी तुहानूं तैयारी करन दी लोड़ है कोई इदां दा एजेंट चुनो जिहड़ा कि तुहाडी तैयारी करावे ऑफर लैटर तो बाद भी टिल वीज़ा जिहड़ा कहिंदा ना कि हाँ जी कोई इंटरव्यू नहीं कोई कुछ नहीं जे तुहाडा अंबैसी चों इंटरव्यू आ गया तां तुहाडी जिहड़ी रिफ्यूज़ल है वह पक्की है जे तुहाडी तैयारी नहीं हैगी। आई वीज़ा इमीग्रेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा कढ़वाए ने चाहे उन्हों का इंटरव्यू आया है चाहे नहीं आया जिदा इंटरव्यू नहीं आया उदा वीज़ा आ गया जिदा इंटरव्यू आ गया उस बच्चे ने अपना इंटरव्यू क्लीयर कर लिया क्योंकि उसकी तैयारी बहुत चंगी सी जिन्हें भी क्वेश्चन सी सारा क्वेश्चनियर बनया हुआ सी आंसर उस स्टूडेंट नूं क्लीयर सी उन्हूं अपने बारे अपने फाइनैंशियल्स बारे जो भी उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं वो बारे जो वह अगे पढ़न चले ने उहदे बारे उन्होंने क्लीयर सीगा उन्होंने यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्लीयर सी यूनिवर्सिटी की फीस किन्नी है कित्थों उन्होंने फीस भरी है उत्थे जाके उन्होंने कित्थे रहना सारिया चीज़ा क्लीयर सगियां आपां SOP कहने हैं SOP तुहाडी तां ही
स्ट्रोंग है जो थानू पता है तुहाडी एसओपी च की लिखा है। नहीं ये ना हो कि एजेंट ने तुहाडी एसओपी बनाती तो थानू खुद पता नहीं कि उहदे विच लिखा की होया तो फिर इंटरव्यू की क्लीयर होना। जे थानू एसओपी चंगी तरह याद है तुसी एसओपी पढ़ी हुई है तुहाडा इंटरव्यू इजली क्लीयर हो जाना। बट थानू इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए है। बहुत सारिया यूनिवर्सिटीज़ ने जिमें BPP लंडन है, ग्रीनविच है, डी मॉन्टफोर्ट है, इदा दिया यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने टैसट वो कंडक्ट कर दिया ने जो कि क्लीयर होने चाहिए ने। जो टैसट क्लीयर होंगे ने ता ही तो कैश लैटर मिलता है, अदरवाइज थोड़ी फीस फस जाती है, थोड़े फंडस के पैसे भी खराब हो सकते हैं। सो इतें दोस्तों तुहानू एक गल क्लीयरली सोचण दी लोड़ है कि आपां विदाउट आयल्स या 3 लख च यूके जाओ, 4 लख च यूके जाओ, इह जिहियां एड्स तो बचिए। पहलां आपां अपने आप नू देखिए क्योंकि अपनी प्रोफाइल जदों आपां नू पता हुंदी है तां ही आपां घरों निकलदे आ। जदों आपां घरों निकलदे ना अपने डॉक्यूमेंट अपने नाल हुंदे ने, अपनी फाइल चक्की हुंदी है, किसी नू सामने वाले नू पता नहीं हुंदा कि वो जिहड़ी फाइल चक्की उहदे विच की है। बट थोनू आप नू पता हुंदा है कि उहदे विच की है, 10वीं चों किन्ने नंबर ने मेरे, 12वीं दे विचों किन्ने नंबर ने, मेरिया किन्नियां रिफ्यूजल्स ने, मेरे इंग्लिश दे विचों किन्ने नंबर ने, मैं आयल्स कीती है नहीं कीती, या मैं इंग्लिश बोल सकदा है या नहीं बोल सकदा। जदों आपां फाइल चक के किसी एजेंट दे मूहरे रख दिंदे आ तां वी आपां नू दसणा पैंदा कि इस फाइल दे विच की है ते मेरी कंडीशन की है। जदों तक आपां डॉक्टर नू सारी चीज़ां नहीं दसांगे वो तुहानू बीमारी दा इलाज नहीं दसूगा। सब तो पहला तुहानू जरूरत है अपने आप च क्लीयर होने की। तुसी यूके जाना चाहते हो तो तुहानू आप दा पता होना चाहिए कि तुसी इंटरव्यू क्लीयर कर सकते हो। जे बाई चांस आ गया एजेंट का बहुत कुछ कहूगा, उन्होंने बिजनेस ने, उन्होंने पैसे लैने ने, बहुत कुछ कहेंगे। ईवन बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं 100% वीज़ा लो, गरंटिड वीज़ा लो, बट तुहाडी प्रोफाइल के उत्ते बेस्ड हुंदा कि तुहानू गरंटिड वीज़ा मिलेगा। कोई बंदा तुहाडे ते इनवैसट करूगा नहीं करूगा, वीज़ा पैसे लैण तो बाद, पैसे वीज़ा लगन तो बाद लूगा या पहला लूगा, ये सारी चीज़ा तुहाडी प्रोफाइल ते हुंदिया ने, सारयां नू पता हुंदा, पहले ही पता हुंदा। जिहड़े काउंसलर्स ने या इंपलॉयज़ ने या ईवन जो भी एजेंसीज ने उन्हां नू सारा पता हुंदा कि तुहाडी प्रोफाइल वीज़ा लैण तो बाद वाली है कि पैसे पहला लैण वाली है। मीनस रिस्क कैलकुलेशन पहला ही होई हुंदी है। सो क्यों ना ये रिस्क कैलकुलेशन तुसी आप कर लो क्योंकि थोड़े पैसे ने, वीज़ा आण तो बाद भी पैसे तुसी देने ने, ते जे तुसी स्टैप बाय स्टैप दे रहे हो तां भी पैसे तुसी देने ने। सो क्यों ना आप अपनी प्रोफाइल नू मूहरे रखिए, सब तो अगे अपनी प्रोफाइल नू रखिए, फिर आप कंट्री चूज़ करिए कि इहदे अकॉर्डिंग आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं। जे तुसीं यूके जाना चाहते हो तुहाडियां 3 चीज़ां क्लीयर होनियां चाहीदियां ने, तुहाडियां कम्यूनीकेशन स्किल्स, तुहाडे कोल तुहाडे फाइनैंशियल्स, ते जिहड़ी फीस है वह तुसीं आप भर सकते होवो। जे आपां कितों पैसे लैके भरने ने, कितों पैसे फड़ के फीसां भरनियां ने, तां यूके तुहाडे लई नहीं हैगा। यूके दे विच कैनेडा वाला हिसाब किताब नहीं हैगा, यूके बहुत महंगी कंट्री है। तो जदों तुसी जाओगे ना 3 महीनों की फीस भर के 3 लख दे के, तां जांदे ही यूनिवर्सिटी ने तुहानू अगली स्लिप फड़ा देनी है, अगली डिमांड तुहाडे मूहरे रख देनी है कि तुहाडा 3000 पाउंड आया है, अगले 3000 पाउंड की तैयारी कर लो। तो महीने 2 महीने बाद जो तुम 3000 पाउंड पर जो महीने बाद भराता वो तो बाद फिर अगले 6 महीने की तुम्हें तैयारी करनी पैनी है। सो दोस्तों यूके दे विच जाना चाहते हो तुहाडे कोल फाइनैंशियल्स अपने होने चाहिए ने, तुसी आयल्स कीती होनी चाहिए क्योंकि हुण यूके चेंज हो चुका, हुण वो पहला वाला सनैरियो नहीं हैगा कि हाँ जी 40% वाले 50% वाले यूके जाओ, तुहाडी आयल्स तुहाडे कोल होनी चाहिए है। तुसी यूके का वीज़ा अपलाई करना चाहते हो या यूके बारे होर भी कोई नॉलेज लैना चाहते हो जो मैं इस वीडियो दे विच कवर नहीं कर सकिया, तुसी सानू नीचे दिते नंबर ते कॉल कर सकते हो या मैनू मेरे खन्ना दफ्तर दे विच मिल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी होर अगली वीडियो दे विच।